फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेग स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि चेक बाउंस के केस को में क्या आपको सवाल पूछने चाहिए, जिससे कि आपका जो है बचाव हो जाए। देखिए, जब भी चेक बाउंस होता है, आप जो है एक्यूज होते हैं उसमें, और आपको जो है कोर्ट जो है एक नोटिस सेंड करता है कि आपको जो है जवाब देना होता है कि क्यों वो चेक जो है बाउंस हुआ। पहली चीज तो ये एक एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ेगी कि वो जो चेक जो बाउंस हुआ है, वो चेक कंप्लेनेंट के हाथ में कैसे आया, क्या रीजन था कि वो कंप्लेनेंट के हाथ में था। उसी पे ही जो है क्वेश्चंस जो है आप फिक्स करते हो, आप उसी से रिलेटेड फिर आप क्वेश्चंस पूछते हो क्रॉस एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले आपको जो है एक एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, जो कि कहते हैं हम उसे आपका डिफेंस। आपका डिफेंस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है इस चेक बाउंस के केस में। और जैसे ही आप अपना डिफेंस जो है अगर आप फिक्स कर लेते हो, उसके बाद ही जो है चेक बाउंस का जो प्रक्रिया है उसमें जो है आपको एक स्ट्रैटेजी मिल जाती है। आपको पहले जो है खुद कन्विंस होना है कि वो चेक जो है आपने क्यों दिया, क्या वो चेक गुम गया था, क्या कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई थी और वो एक सिक्योरिटी चेक था, क्या वो चेक का मिसयूज हुआ था। तो आपको जो है कोर्ट को एक एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी पहले तो, कि क्यों वो चेक जो है कंप्लेनेंट के हाथ में है आज की डेट में, और उसने क्यों जो है चेक डिपॉजिट किया और कैसे वो बाउंस हो गया। अब देखिए, इसमें जो है अब आपकी जो डिफेंस की स्ट्रेटजी है वो फिक्स हो गई। नाउ सपोज, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। सपोज जो कंप्लेनेंट है, उसका पूरा केस था कि उसने आपको जो है फ्रेंडली लोन दिया, यानी आप कंप्लेनेंट के फ्रेंड थे और उसने जो है आपको फ्रेंडली लोन दिया कैश में, ठीक है, और उसके लियू में आपने जो है चेक इशू कर दिया उसे, उसको रीपेमेंट के लिए। सपोज 2 लाख की ट्रांजैक्शन है, 2 लाख का आपने चेक इशू कर दिया। अब क्या क्वेश्चंस आप पूछोगे इस केस में? आपका जो डिफेंस है इसमें ये था कि आपने जो है अपने फ्रेंड को चेक दिया, उसकी कोई शॉप थी, उसकी शॉप से सामान लेने के लिए आपने वो चेक दिया और वो चेक जो है बाउंस हो गया। ये आपका डिफेंस है। अब देखिए क्या क्वेश्चंस अब बन के आएंगे इसमें, अब मैं वो दिखाने जा रहा हूं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट वाज द मोड ऑफ द पेमेंट ऑफ द लोन, क्या कैसे उसने पे किया, आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया या आपको कैश दिया। ज्यादातर केसेस में कैश होते तो वो कैश बोलेगा, या आपके NEFT किया या कुछ RTGS किया, क्या मोड था वो लोन अमाउंट देने का। तो सबसे पहला सवाल आपका ये होगा। वैसे ये चीज आपकी कंप्लेंट में भी लिखी होती है, बट आपको जो है ये चीज पूछनी है। फिर दूसरा सवाल आ जाओ, अगर कैश से लोन दिया तो आप उससे ये पूछोगे कि क्या आपने बैंक से विड्रॉ किया वो कैश, वो हाँ या ना में जवाब आएगा। अगर वो कहता है कि हाँ मैंने बैंक से जो है विड्रॉ किया चेक, जो ये अमाउंट लोन का अमाउंट है, एक ऑप्शन ये है कि अगर बैंक से विड्रॉ कर लिया तो बैंक विड्रॉल किया पूरा आप डेटा मंगवा सकते हो, अगर उसने कैश बैंक से विड्रॉ किया। नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं, अगर कैश का अमाउंट बहुत ज्यादा है, आप उस कैश अमाउंट का सोर्स पूछ सकते हो कि भाई आपने जो है बैंक से विड्रॉ नहीं किया, आपके पास वो कैश पड़ा हुआ था घर पे। अगर वो ह्यूज अमाउंट है तो इट्स अनबिलीवेबल कि इतना ह्यूज अमाउंट जो है घर में पड़ा हो, तो आप जो है उस कैश का सोर्स पूछ सकते हैं कि ये आपके पास इतना कैश आया कैसे। तो वो बोलेगा कि मैं जो काम करता हूँ उससे जो है मेरे को अर्निंग हुई और वो है। क्या आपने ये कैश अमाउंट अपनी ITR में शो कर रखा है, बैलेंस शीट में लोन अमाउंट जो है वो दिखा रखा है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछोगे। अब वहां पे वो फंस गया, क्योंकि अमाउंट जो है कैश अमाउंट है वो काफी ह्यूज अमाउंट है। सपोज 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख का अमाउंट है, इतना ह्यूज अमाउंट आप नॉर्मली घर पे नहीं रखते हो, बहुत रेयर होता है कि आप रखते हो इतना घर, अगर कोई शादी वगैरह है घर में तब रखोगे आप, नॉर्मली लोग नहीं रखते इतना कैश घर पे। बैंक से विड्रॉ हुआ नहीं, ITR में भी शो नहीं हुआ,
फिर आप जो है आप उसकी जो है बैलेंस शीट भी मंगवा सकते हो। बैलेंस शीट में अगर वो कैश अगर उसने दिखाया तो देख सकते हो कि कैश दिखाया या नहीं दिखाया। फिर वो बैलेंस शीट ऑडिटेड भी होनी चाहिए, मतलब अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बनाया तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को उसे एग्जामिन करना जरूरी है। तो अगर वो ऑडिटेड बैलेंस शीट नहीं है, आप उससे पूछ सकते हो कि अगर आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बनाई है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की सील होगी, मोहर होगी, कुछ तो होगा उस बैलेंस शीट में, वो भी नहीं है तो वो कैसे कह सकता है कि जो बैलेंस शीट है वो जेन्युइन है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछने चाहिए इन केस ऑफ ए फ्रेंडली लोन। अब आपको एक सजेशन देना है। सजेशन क्या देना है? यू हैव नॉट एक्सटेंडेड एनी लोन एंड यू हैव मिसयूज्ड द चेक्स। बस इतना आपको जो है सजेशन देके क्रॉस जो है क्लोज करना चाहिए। ये 6-7 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अब एक दूसरा सिनेरियो जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जब आपका चेक केस जो है बाउंस होता है और आपने जो है किसी फाइनेंशियल कंपनी या किसी कंपनी को जो है सिक्योरिटी चेक्स दिए हुए हैं, सिक्योरिटी चेक्स इन ल्यू ऑफ सम एग्रीमेंट। ठीक है, अगर आपने किसी ल्यू ऑफ एग्रीमेंट या आप ट्रेडर हैं गुड्स का परचेज और आप क्रेडिट पे कई बार गुड्स लेते हैं और इसलिए आपने जो है सिक्योरिटी चेक इशू की है और जो चेक अमाउंट बाउंस हुआ है वो उस दिन ड्यू नहीं था, तो आपका डिफेंस क्या हो गया कि ये जो चेक है मैंने जो है एज अ सिक्योरिटी पर्पस दिया था और उस दिन जो है मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं थी। अब ये सेकेंड सिनेरियो आ गया। सेकेंड सिनेरियो में अब आप क्या क्वेश्चंस पूछेंगे वो मैं अभी बता रहा हूं आपको। अब इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके ऊपर ये होती है कि आपको जो है इस सिनेरियो में आपको ये दिखाना है कि आपके ऊपर जो है लीगली इन्फोर्सिबल डेट नहीं था उस टाइम पे। तो पहले तो आपका ये होगा कि कितने सालों से आप दोनों डील कर रहे थे, मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल। ठीक है, और आप ये पूछ सकते हो कि आप दोनों के बीच जो भी डीलिंग होती थी उसका सेटलमेंट कैसे होती थी। वो बोलता होगा कि मैं परफॉर्मा इनवॉइस भेजता था, टू सेटल द अमाउंट, फिर ये जो है हमें चेक इशू कर देते थे। तो ठीक है, वाजिब है। क्या ये चेक डिपॉजिट करने से पहले आपने वो इनवॉइस इशू किया था या जो परफॉर्मा इनवॉइस इशू किया था या इनवॉइस इशू किया था जब ये चेक, हाँ या ना में जवाब आएगा। अगर हाँ आता है तब बात अलग है, ना आता है तो ठीक है। फिर आप जो है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मंगवा सकते हैं उससे, जो भी डीलिंग गुड्स की हो सकती है। उसके साथ साथ जो है वाउचर मंगवा सकते हैं कि अगर गुड्स का है डिलीवरी हुई है कि डिलीवरी हुई है या नहीं हुई है। और उस दिन की लायबिलिटी जो है एक्यूज्ड की आप उन डॉक्यूमेंट से जो है फिर आप निकाल सकते हैं और उससे कन्फ्रंट करा सकते हैं कि उस दिन जिस दिन ये चेक डिपॉजिट किया या इश्यू हुआ उस दिन इतना अमाउंट ड्यू नहीं था, इससे कहीं कम था। जब आपने ये प्रूफ कर दिया थ्रू डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आप वो सारे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट सब चीजें आप मंगवा रहे हो जो कंप्लेनेंट है उससे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आएगा। अगर आपने कोई गुड्स लिया ही नहीं है उससे और लाइबिलिटी जो है वो ज़्यादा बता रहा है और चेक्स जो है जानबूझ के उसने डिसऑनेस्टली जो है डिपॉजिट कर दिए, तब तो कोई केस बनेगा ही नहीं। इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपने अगर लीगल नोटिस का जवाब दिया नहीं दिया उस टाइम पे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और लीगल नोटिस को जो है आपको एग्जिबिट कराना है जो आपका डिफेंस है, और आपको जो है कंसिस्टेंट डिफेंस लेना है कि जनाब उस दिन मेरे ऊपर कोई ऐसी लायबिलिटी नहीं थी, उस दिन कोई ऐसा चीज नहीं थी जिसकी वजह से जो है ये चेक जो है डिपॉजिट किया और ये बाउंस हो गया, उस दिन मेरे ऊपर कोई ऐसी लायबिलिटी नहीं थी इसलिए ये चेक बाउंस हो गया, ये मैंने सिक्योरिटी चेक दिए हुए थे क्योंकि हमारी जो है कई सालों से डीलिंग है। तो ये जो है आपका एक प्लॉसिबल डिफेंस लगता है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी दिखाते हैं कि उस दिन जो है उतनी लायबिलिटी नहीं बनती है, उसने जो है झूठा जो है आपको इनवॉइस भेजा और ये चेक जो है डिसऑनेस्टली जो है डिपॉजिट कर दिया। तो ये जो है आपका केस देखिए कैसे प्रूव हुआ सिनेरियो 2 में, अगर आपको समझ आ रहा है। तो ये जो दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, दो सिनेरियोज आज मैंने डिस्कस किए। इस पे जो है मैंने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है,
आर्टिकल आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक में। अगर आपका कोई डाउट्स है, आपका कोई केस चल रहा है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, और ये आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा। इसमें जो क्वेश्चंस हैं जो अभी मैंने बताए हैं, वो सारे मैंने लिखे हुए हैं। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो समझ आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।